चोरा मेरे मज पम्मण मणि सिखा पदम समाधिया मी चोरा मेरे मज पम्मण मणि सिखा। दुनिया में जितने भी धार्मिक लोगों के या रिलीजियस लोगों के जितने भी स्थल हैं, मेन जहाँ कोई संत, जहाँ कोई प्रीचर, जहाँ कोई टीचर या जहाँ कोई मैसेंजर या जहाँ कोई ऐसा व्यक्ति जिसने लोगों को जीने का सही रास्ता सिखाया और बताया, वो व्यक्ति जितने भी हैं उनके जो अवशेष हैं, अगर वो जिंदे रहे हैं, कोई चमत्कारी व्यक्ति नहीं है, तो उन सबके अवशेष, उन सबके कार्यस्थल और उनके जन्म स्थान वगैरह सारी दुनिया में लोगों के लिए विश्वास का केंद्र होते हैं। लोग वहां जाते हैं और इस बात का अनुभव करते हैं कि जिस संत ने, जिस महापुरुष ने अपना पूरा जीवन देके मानव जाति के लिए अच्छाई और ईमानदारी सिखाई, ये उसका स्थल है। और वो अपनी ट्रिब्यूट पेश करने के लिए, अपना रेस्पेक्ट देने के लिए, उनको वंदन करने के लिए, सल्यूट करने के लिए वहां जाते हैं। घूमना फिरना भी होता है और उनका विश्वास और मजबूत होता है, अच्छाइयां वहां से ग्रहण करके आते हैं। सभी अच्छे मन से जाते हैं तो वहां अच्छाइयां चारों तरफ खूब बिखरती हैं। उन सब में जो एक स्थान है, क्योंकि भगवान बुद्ध का या तथागत बुद्ध का या भंगी बुद्ध का या भगवा का पूरी दुनिया में एक काफी बड़ा स्थान है, क्योंकि उनको नंबर एक का बुद्धिजीवी माना जाता है, नंबर वन का इंसान माना जाता है। आज तक भी उनकी बताई हुई थ्योरी, बताई हुई फिलॉसफी या बताई हुई साइंस वही की वही मनुष्य के काम आ रही है, जिसपे इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कंप्यूटर बन रहे हैं, रोबोट बन रहे हैं, और उन्हीं के सिद्धांत पे मनुष्य अपनी बीमारियां ठीक कर रहा है। और उनके सिद्धांत को उल्टा करके जब चलता है तो मनुष्य के अंदर बीमारियां आती भी हैं, यानी उन्होंने पूरा ज्ञान बताया है, सही इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बीमारियां चली जाएंगी, दुख चले जाएंगे, और अगर धम्म चक्र को आप सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर आपको बीमारियां आ भी जाएंगी। ये नियम उन्होंने बताया, करके दिखाया, बहुत लोगों को सिखाया और आज भी लोग सीख रहे हैं। उस जगह का नाम है बोध गया, जहां पर बोधि आई, यानी कि बोध आया तो जगह का नाम होना चाहिए बोध आया, तो ये नाम सूट करता है, मगर नाम क्या पड़ गया उसका, बोध गया। बोध गया कहां, और जब बोध यहां आया था, संबोधि यहां प्राप्त हुई, संबोधि बोलते हैं संपूर्ण ज्ञान को। सम्राट अशोक ने जब यहां यात्रा की तो उन्होंने कहा था कि ये स्थान, इसका नाम संबोधि है, संबोधि मतलब पूर्ण ज्ञान का स्थल, संबोधि अट्ठ। तो संबोधि अट्ठ से वो बोध गया कैसे बना, और सम्राट अशोक की तो बात छोड़िए, जो बुद्ध वंदना है उसमें संबोधि जो अधिगच्छी है, यानी संबोधि अधिगच्छी जो लिखा हुआ है उसमें भी संबोधि शब्द इस्तेमाल है। तो संबोधि का यानी बोधि आई वहां पर, पहले से तो थी नहीं, भगवान बुद्ध उस पेड़ के नीचे बैठे, जिसको बाद में बोधि वृक्ष कहा, और उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो लोगों ने कहा यह स्थल है जहां बोधि आई। फिर बोध गया कैसे बन गया, और आज तक भारत में लोग उसको बोध गया के नाम से प्रचारित कर रहे हैं, तो कोई प्रश्न क्यों नहीं करता कि ये बोध गया कैसे हो गया। दरअसल जब बुद्ध की फिलॉसफी को यहां से नकारा गया, लोगों ने उसको मारा, उनके जो टीचर थे, प्रीचर थे, उनको जब मारा गया, कत्ल किया गया, उस शासन को वहां से, शासन माने शिक्षा को जब हटाया गया, खत्म किया गया, सम्राट अशोक के जो पत्थर की किताबें थी उनको तोड़ा गया, मरोड़ा गया, उनको दबाया गया, जो उस समय के जितने अच्छी अच्छी चीजें थी या तो उन पर कब्जा किया गया या उनको तोड़ा गया, तो उस जगह का नाम डिफेम करने के लिए, उसको बदनाम करने के लिए कहा गया कि अब बोधि यहां नहीं है, बोधि गया, बोधि चली गई, बोधि गया। तो बोधि तो शब्द है, वो तो नहीं जा पाया, क्योंकि दुनिया में चली गई बोधि, तो बोधि तो सब में फैल गई, इसलिए बोधि को तो नहीं इंकार कर पाए, बोधि को तो नहीं मना कर पाए, मगर अपनी झेप बटाने के लिए ये कह दिया कि बोधि चली गई, बोधि गया, तो बोध गया नाम उसका पड़ गया। मैंने कई बार अपनी वीडियोस में कहा भी, और बहुत पहले से मैं अपने लेक्चर में, भाषण में कहता भी रहा हूं कि बोध गया कहां, दरअसल गया नाम कैसे पड़ गया इसका, आया पढ़ना चाहिए था, बोधि आया या बोधि आई। अब चूंकि पत्थर बोल रहे हैं और पत्थर पे लिखा हुआ है कि सम्राट अशोक ने इसको संबोधि नाम दिया था, और संबोधि नाम है, तो जाहिर सी बात है अब लोग इसको डिमांड करेंगे। अब कम से कम अगर संबोधि इसका नाम ना भी पड़ेगा तो लोगों को यह पता चल गया कि यहां से बोधि गई नहीं है, यहां तो बोधि आई थी, ये संबोधि रट्ठ है, संबोधि अट्ठ है, संबोधि का स्थान है, और अब आगे ये संबोधि के नाम से ही प्रचारित होगा।
आप भी जब भी इसको लिखें, अब बोध गया की जगह संबोधि लिखें, संबोधि नगर लिखें या संबोधि रठ लिखें या संबोधि अठ लिखें। अठ माने जो होता है वो स्थान होता है, रठ माने राष्ट्र होता है, और संबोधि नगर माने नगर जहां नाग लोग रहते थे उसको नगर बोलते हैं, या पुर या पुरा बोल सकते हैं, या संबोधि गांव भी बोल सकते हैं, जो आपको पसंद हो, मगर आप इसे संबोधि ही बोलती है। संबोधि का मतलब संपूर्ण ज्ञान। दरअसल अब आज के समय में सारे के सारे बच्चे जितने भी हैं वो धड़ाधड़ धम्मलिपि सीख रहे हैं, और धम्मलिपि की बहुत सारी चीजें आ गई हैं, और धम्मलिपि में अभी पत्थर बोलना शुरू हुए हैं। कहते ना अभी तो पत्थर बोलना शुरू हुए हैं, अभी तो आवाज आनी शुरू हुई है, पत्थरों की आवाज दमने वाली नहीं है। ये पत्थरों की किताबें भरी पड़ी हैं, आप इंटरनेट पर जाइए, धम्मलिपि 2 दिन में आ जाती है, उसको सीखिए, वीडियो में सीखिए, जगह जगह इसकी वीडियो है, और आप खुद पत्थरों को पढ़ लीजिए, पत्थर आपसे क्या बात करना चाहते हैं, पत्थर आपको क्या कहानी सुनाना चाहते हैं, सम्राट अशोक आपको क्या बताना चाहते हैं, सम्राट अशोक आपको क्या बता के गए हैं। क्योंकि रुम्मन देई जो नाम है, रुम्मन देई से ही लुम्बिनी पड़ा हुआ है, पत्थर बोल रहे हैं, मैं नहीं बता रहा, पत्थर बोल रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं जिनको पत्थर बेताब हैं आपको बताने के लिए। आप 2 दिन में धम्मलिपि सीख लीजिए, बस 2 दिन में आ जाती है। धन्यवाद। टीम 22 पर सभी वीडियो बुक कॉपीराइट फ्री है। आप अपने पोर्टल पर, अपने यूट्यूब पर, अपने फेसबुक पर, या किसी भी जो भी ऐप है उस पर आप यहां से डाउनलोड कर टीम 22 से, या फेसबुक से, या मेरे पेज से, कहीं से भी कोई भी वीडियो ले सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें अपने नाम का कुछ भी ऐड कर सकते हैं या अपनी कमेंट्री कर सकते हैं, उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं, उसका प्रिंट मटेरियल भी बना सकते हैं, उसको किसी भी भाषा में आप बदल सकते हैं, उसका ऑडियो चेंज कर सकते हैं, उसका वीडियो ले सकते हैं, आप जैसे भी चाहें टीम 22 की किसी भी वीडियो का या सारी वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमेशा कॉपीराइट फ्री थी और हमेशा कॉपीराइट फ्री रहेंगी। हमारा सिर्फ इतना काम होता है कि महापुरुषों की जो बातें हैं उन बातों को हम सरल भाषा में, आम भाषा में आप तक पहुंचा देते हैं। अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भाषा में बदल के, या ऐसा का ऐसा शेयर करके, या इसको आगे भेजकर, या इसका लिंक भेजकर, या इसमें से कोई भाषा बदल कर, या इसको प्रिंट कर, या इसको लोड कर, या डाउनलोड कर, या इसको टीवी में बच्चों को दिखाकर, या किसी को गिफ्ट कर, जैसे भी चाहें वैसे इसको आगे पहुंचाएं। धम्म की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि धम्म दान, धम्म को देना, सभी देने में, यानी जितना भी हम किसी को देते हैं, दान देते हैं, उनमें सबसे बड़ा माना जाता है। अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परेशानी है तो आप हमें लिख के भेज दीजिए, हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे। आप धम्म की सेवा में सहायक बने, धम्म आपको खूब लाभ देगा, धम्म आपको लाभ देगा, आप धम्म को लाभ देंगे, ये दोनों इंटरचेंज है, यही धम्म की प्राकृतिक नियम है। धन्यवाद। Gacchami.
मांग शरण।